तो यहाँ पे हमारे पास 12th का जो एग्जामिनेशन पूछा गया है आज, उसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर का, जिसका एग्जाम अब ओवर हो चुका है। यहाँ पे एच सेट है तो क्वेश्चन के नंबर अलट पलट हो सकते हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखें या वीडियो को बीच बीच में रोक के आपका कौन सा ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन कौन सा नंबर में था वो मिला के आप आंसर मिला सकते हैं। चूंकि मैं सबसे पहले आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत जल्दी आंसर बना के दे रहा हूँ एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, तो अगर एक आध क्वेश्चन का आगे पीछे आंसर रहे तो आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स को जाके चेक करेंगे, अगर कुछ गलती रहेगी तो बाद में मैं अपडेट कर दूंगा, लेकिन इसको 100% अपने हिसाब से सही करने की कोशिश की गई है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जो इस सेट में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें था उत्तल लेंस को जब हम पानी में डुबाएंगे तो क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें पानी का अपवर्तनांक कम है, तो जब पानी का अपवर्तनांक कम रहता है लेंस के अपवर्तनांक से तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए। और अगर पानी का अपवर्तनांक ज़्यादा रहता तो ये अपसारी लेंस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें पानी का अपवर्तनांक कम दिया हुआ है तो ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक का फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर बी, इसमें होता है आर बटा जेड, और एल आर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है उसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर इतना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आई आर एम एस बट्टा आई नॉट, तो आई आर एम एस बट्टा आई नॉट का जो फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर बी है, इसका मान होता है ऐसे आई नॉट बट्टा आई आर एम एस रहेगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन आई आर एम एस वर्गमाल माध्यमूल और उसके बाद शिखर मान बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है ई वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश के रंग का कारण है उसका तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य डायरेक्ट डिपेंडेड है इसके वेग पे, तो ऑप्शन नंबर बी 5th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घट जाता है क्योंकि ये चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में N1 और N2 लपेटे हैं तो कौन ज़्यादा बेटर होगा, तो द्वितीयक कुंडली का लपेटा ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के किसी स्थान पर इसका फॉर्मूला होता है √2hr, तो h का वैल्यू मैंने 245 डाला और r का वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻⁶ मीटर के बराबर, तो मुझे आया आंसर में 56,000 मीटर यानी 56 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर डी। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, एंड गेट का बुलियन व्यंजक है a × b, तो नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हो गया इस पे बार a × b का बार, y = a × b का बार। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति निर्भर करती है इसके चुंबकीय क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो वाटहीन धारा का मान I cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 12 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो Q/A होता है, Q मतलब कूलम्ब और A मतलब क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर A। सामान्य संयोजन के लिए फोकस दूरी के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो F0/FE, इसमें आँख वाला नीचे आता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान अपवर्तनांक -1 × a, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो W होता है वो R के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा का मान होगा, तो वो इसका जो शक्ति का मान होगा वो होगा 24 वाट, इसको पलट के जोड़ देंगे 1/60 + 1/40, और फिर जो आएगा उसको पलट देंगे 100 वोल्ट। इसका देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है ½ CV² बराबर ऊर्जा, तो इससे इसका मान जो निकला वो निकला 2/10,000 फैराड यानी 2×10⁻⁴ फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है एस्टिगमेटिज्म के उपचार हेतु। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, अगर इसमें क्वेश्चन देता वोल्ट मीटर तो इसका प्रतिरोध होता अनंत, लेकिन इसमें क्वेश्चन दिया है ए मीटर तो इसका प्रतिरोध होगा 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH एवं चुंबकीय सुई के दोलनीय आवृत्ति में क्या संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे सुई की दोलन आवृत्ति दिया हुआ है, फिर भी ऑप्शन नंबर ए प्रीफर किया गया है। अगर आप इसके सही आंसर या फिर और कोई अदर आंसर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ, फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र का मान जो है जो बेलनाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोमो का आकार सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, 22 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है hc बटा लैम्डा, ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने सेट में भी दिया था, वीडियो अपलोड किया था। तो फिर है विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला 10 माइक्रोफेराड और इतना, इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0Q1Q2R। तो इसके इस जब आप इसमें डालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा -2.25, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको आएगा -2.25 जूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि बी वेक्टर है चुंबकीय क्षेत्र और एम वेक्टर है चुंबकीय आघूर्ण, तो टॉर्क का मान क्या होगा। जिस तरह से टॉर्क का मान होता है वैद्युत ध्रुव के लिए पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, उसी तरह से चुंबक के लिए इसका मान होगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आगे आइए, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने मतलब अर्धायु काल में आधी रह जाती है अपने प्रारंभिक मात्रा की। नेक्स्ट है विद्युत, अभी मैंने आपको बताया था W=B²R, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक कितना होता है। तो ये होता है 0 से 1 के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ये आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक की बात कर रहा है। दो लेंस की क्षमता इतनी है, तो जब क्षमता जोड़ेंगे तो -15D +5D यानी -10D, और -10D को जब पलटा जाएगा तो -10 सेंटीमीटर में वो कन्वर्ट होगा 100/-10 सेंटीमीटर, तो फिर कट के हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार ए में प्रवाहित, तो ये पूछ रहा है 1 कूलम्ब में आवेश की संख्या, तो 1 कूलम्ब धारा का मान निकल जाएगा और आवेश की संख्या इसकी हो जाएगी 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल ऐसे निकलेगा 1/1.6×10⁻¹⁹ को जब आप भाग देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बी निकलेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इसमें ये तो गाउस का प्रमेय है कि जब क्यू आवेश परिबद्ध हो तो कितना मान होगा, तो Q/ε0, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अस्थिर विभवांतर पर, तो फॉर्मूला होता है V²/R, तो जब R को हम आधा करेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा का मान 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कारगर हो, और अगर आपको सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आए, मैं सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करके आपको जल्द से जल्द दूंगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का जो परीक्षा हो जाए तो मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।